केशवराव पाटन से विरल काला इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री, गंधोदक कहाँ कहाँ लगाना चाहिए? कुछ लोग गंधोदक को अपने पूरे शरीर में लगाते हैं, तो क्या महाराज श्री उचित है? कृपया समाधान करें। शास्त्रानुसार प्राचीन परंपरा में उज्जवर पद्मनंदी महाराज ने मात गंधोदक लगाने का स्थान ललाट कहा है। ललाट का अर्थ होता है ये भाग, इस भाग में लगाना चाहिए, यानी मस्तिष्क से ऊपर। दूसरी बात के बाद में किसी ने आँखों के ऊपर, पल आँखों के अंदर नहीं, आँखों के पलक के ऊपर लगाने की बात कही। ये दो स्थान ही अभी तक आगम में मिले हैं। पूरे शरीर में गंधोदक लगाना अनुचित है, गंधोदक का दुरुपयोग है, और वो गंधोदक फायदे के स्थान पर नुकसान करेगा। इंजेक्शन हर स्थान पर नहीं लगाया जाता, इंजेक्शन लगाने का स्थान निश्चित होता है। और जहाँ महाराज पेट में दर्द हो तो, अरे भाई पेट में दर्द होता है तो इंजेक्शन तो बाजू में या कूल्हे पे ही लगता है। मस्तिष्क पर लगाने से जहाँ तुम्हारी वेदना है उसका असर वहाँ हो जाएगा, इसलिए आगम की परंपरा को तो स्वीकार करना ही चाहिए। अन्य शरीर पवित्र नहीं है, अन्य शरीर निम्न अंग कह माने जाते हैं, और गंधोदक उत्तमांग पर धारण कर जाता किया जाता है, शिरोधारी किया जाता है। इसलिए जो शरीर में फूटते हैं, सारे शरीर में लगाते हैं, ये उनको कभी फायदा नहीं करेगा, नुकसान ही नुकसान है। गंधोदक तुमने लाभ के लिए लगाया और उसकी आसाधना तुमने की, विराधना की, तो आपको नुकसान ही होगा। महाराज श्री, कुछ जगह पढ़ने में आता है कि मैना सुंदरी ने अपने पति श्रीपाल को जब कुष्ठ हुआ तो पूरे शरीर पर गंधोदक का क्षेपण किया, उसके बाद उनका शरीर कहीं उल्लेख नहीं मिला। ये आपके हिंदी के जो भजन है उनमें, और वो क्यों आए? क्योंकि वो एक नारी थी, नारी सभी पुरुषों को छू नहीं सकती थी, सभी पुरुषों तो गंधोदक उसने सबके माथे पर छिड़क दिया। ये नहीं है कि गंधोदक से उसने सारे कोड़ को धोया हो या सारे शरीर को गंधोदक लगा। गंधोदक चूंकि नारी थी, उसने अपने हाथ में गंधोदक लेकर के सबके माथे पर डाल दिया, तो वो भजन में आ गया गंधोदक छिड़का। छिड़का भी है तो भी वो सिर पर ही छिड़का है, ना कि पूरे शरीर पर छिड़का गया। और सिर पे छिड़कने के बाद वो बूंदें कहीं गिर जाती हैं वो बात अलग है, लेकिन उसने मस्तिष्क पर छिड़का, क्योंकि वो सबको तो लगा नहीं सकती थी और घाव इतने ज़्यादा थे कि वो सबके लिए साफ कर नहीं सकती थी। और चूंकि वो नारी है तो नारी सभी शरीर में तो कुछ गंधोदक लगा नहीं सकती थी, इसलिए वो नारी होने के नाते उसने गंधोदक को, अपन दूर से गंधोदक लेना सिर पर छिड़क देते हैं, मान लो कोई सूतक वाला है, गाय बैल पशु है, कोई निम्न जाति के लोग हैं, असुचि है, तो उसके ऊपर गंधोदक को दूर से ऊपर से डाल दिया, तो उसको बोलते छिड़कना। ऐसा पूरे शरीर में लगाया ऐसा उल्लेख तो मुझे मिला नहीं। वो लोग क्या करते हैं, असली में लगाने की परंपरा में भक्तांबर के श्लोक में आया है, एक उज्जवर मानतुंग आचार्य ने लिखा, तद पाद पंकज रजो मृत दिग्ध देहा मृत्या भवंति मकर ध्वज तुल्य रूपा। दिग्ध देहा यानी आपके चरणों की रस से जिसका शरीर लिप्त हो गया हो, शरीर लिप्त हो, उसमें यही दिग्ध देहा। दिग्ध देहा ने शरीर सारा लिप्त हो गया हो आपके चरणों की रज से, तो ये भक्ति में कथन मात्र आता है, कथन मानना चाहिए, सिद्धांत नहीं। कथन का अर्थ होता है कि आप हमारे शरीर पर प्रभु आपका गंधोदक लिप्त हो गया, अब कोई करने की जरूरत नहीं। तो ये भक्ति में भक्तांबर में ऐसा कहने से लोग ये मानते हैं कि पूरे शरीर में गंधोदक का लेप होना चाहिए। वहाँ चरणों की रज को लिखा है, अर्थ यही निकल रहा है दिग्ध देहा, लेकिन जब उसका कोई सिद्धांत बनाया गया
कि नहीं ललाट पर और नेत्रों से नीचे गंधोदक नहीं आना चाहिए, तो ये सारी बातें जो हैं उपमा के रूप में, भक्ति के रूप में, कथन के रूप में ऐसा आ जाता है।